अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? होप करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी सब खैरियत से हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हैप्पी संडे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर मेरा हर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स भी कर दिया करें। और प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलें जी, नाश्ता हो चुका है, सारे दिन पीछे नज़र आ रहे हैं, किचन भी साफ कर लिया है, सारी सफाई वगैरह सारे काम हो चुके हैं। तो मैं आज सोच रही थी कि सिंपल सा खाना बनाए, और मैंने यहाँ चढ़ा भी दिया है चूल्हे पे। एक जगह मैंने मलाई की रखी है, आज मैंने कहा असली घी बनाएंगे और आज दाल चावल बनाएंगे रात में, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करने जाना है। इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपर कुकिंग करूँ बैठ के। कल मुझे एक मैसेज आया था तो मैंने कहा चले, ऐसा नहीं होता है कि मैं खुद ही बना शूट करती हूँ, खुद ही कुकिंग भी करनी होती है तो बस जल्दी शूट कर लेती हूँ और सामने आती हूँ। तो चले, अब स्टैंड तो है मेरे पास, उस पर मैंने कहा कैमरा सेट करके उसके बाद कुकिंग क्या करूँगी। असल में जल्दी भी होती है, बच्चे भी आने वाले हैं, स्कूल के भी सारे काम बच्चों के होते हैं, बाहर के भी देखने होते हैं, तो फिर नहीं कर पाती। तो चले जी, बस दाल बन गई है, मैंने रख दिया था जब तक मैंने कहा क्लीनिंग का काम होगा तो दाल पक जाएगी। टाइम नहीं है, ग्रॉसरी के लिए जाना है मैंने आज, कल संडे है, फिर पूरा वीक वैसे निकल जाएगा, और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं इस काम। आज मैंने बच्चों के लिए बनाया आइसक्रीम शेक। उमर देखो, एक लेके आप अपना देखो, आपके स्टील वाला है, वाइट वाला का बना सा उसका है सलाद का। अच्छा, यमी है, चलो सारा पी लो। बाबा का आइसक्रीम शेक में बना के लाती हूँ। बनाया राहिल के लिए, बच्चों वालों में मैंने थोड़ा सा बादाम वादाम ग्राइंड करके डाले थे, और ये राहिल के लिए बनाया है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, सफ़ेद मखाने डाले हैं, थोड़ी सी अलसी डाली है, वनीला आइसक्रीम डाली है और रूह अफ़ज़ा था इसके अंदर। बहुत यम्मी बनता है, तो आप लोग भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं अब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, 4 बजे लंच का टाइम है। आज सैटरडे संडे थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। ये है बटर, तो इसमें हम बटर डाल देते हैं, और मैंने पानी भी डाल दिया है, सॉल्ट भी डाल दिया है इसके अंदर। तो अब देखिए, इसको चूल्हा बंद कर देंगे बटर को मेल्ट होने के बाद, फिर घर पे आने के बाद इसको देखिए, दाल का कलर देखें कितना अच्छा आ गया है। अब इसको आने के बाद देखेंगे, क्योंकि पहले मैं बाजार के काम करके आ जाऊँ, बच्चे घर पे हैं तो बहुत लेट हो जाएंगे। और ये इसको भी स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है तो ये पकता रहेगा, अगर कुछ होगा तो राहिल देख लेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बाजार चलते हैं, ग्रॉसरी का काम करके आते हैं। मेरा अपना दुपट्टा मिल नहीं रहा है, ये दुपट्टा ओढ़ तो लिया है लेकिन चुप रहा है, तो चलें इसको देखते हैं, अगर नहीं सेट होता तो मैं ढूंढती हूँ, फिर मिलते हैं बाजार में। ये शूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी, दोनों बहुत अच्छी प्राइस में थे, तो मैंने कहा चलें इसे ले लेते हैं। दोनों ही शूज़ लिए हैं, और रेड वाली स्लीपर मैंने राहिल के लिए ली है, हालांकि उनके पास थी लेकिन मुझे अच्छी लगी। इसका वेट बहुत अच्छा सा था, इसमें बहुत हाई वेट में नहीं थी, बहुत ही हाथ में लो तो बिल्कुल ही ना हल्की सी थी, लो वेट थी, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। इनके पास बहुत सारे शूज़ की क्वालिटीज़ थी और वराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने मिल गए हैं। फिर मैं आ गई थी राहिल के लिए, और वो कितनी सऊदीया से आती है, बनता है फिर बच्चों के लिए नहीं होगी सऊदीया की। शैम्पू लेने थे, सामान तो बहुत सारा है आपकी शॉप पे माशाल्लाह, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं शॉप ही देखती हूँ मैं, तो मुझे दिनों दिखा देते कि कौन सा लेना है। और फिर मैं आ गई थी मसालों की शॉप पे, क्योंकि यहाँ से मैं मसाले लेती हूँ, इनके मसाले बहुत अच्छे होते हैं। पहले मैं इम्तियाज़ से, मार्ट से, सुपर मार्ट से लेती थी, लेकिन अब से मैंने स्टार्ट किया है कुछ पंथ से लियाकत मार्केट से लेने का। यहाँ की वैरायटी बहुत अच्छी है, मसाले बहुत अच्छे हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो सारी दालें वाले मैंने यहीं से ली। फिर दूसरी शॉप पे गई, यहाँ से मैंने कुकिंग ऑयल लिया, घर आई, घर आने के बाद जल्दी जल्दी किचन देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी मैं आने के बाद। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अमन से मिलते बाप आएगा था।
जी टेंशन ये थी कि लेट बहुत हो गई हूँ, वीडियो भी अपलोड करनी है और फिर बच्चों को के ड्रेसेस भी तैयार करने, यूनिफॉर्म रेडी करने हैं, बच्चों के सुबह बैग लंच भी देखना है और बच्चों को जल्दी से खाना खिला के सुलाना भी है। तो मैंने कहा जल्दी पहले खाना बनाती हूँ, उसे फाइनल करती हूँ रेडी, उसके बाद में सारे काम करूँगी। बच्चे सो जाएंगे तो मैं अपना आराम से करती रहूँगी। और बहुत थक गई थी लेकिन हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि बाज़ार में बहुत चलना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। और देखिए ये रेडी हो चुका है, बस अब इसका वो भगा तैयार हो रहा है, वो भी माशाल्लाह डल चुका है इसके अंदर। और अब पहले मैंने कहा आपसे एंड लेने आऊँगी और उसके बाद में फिर एंड लेने के बाद अपलोड करते करते बच्चों को खाना खिला दूँगी। चलें जी, मैं एंड लेने आई हूँ जो कि बहुत थक गई हूँ और अभी बस खाना बनाया है, बच्चों को खिलाया नहीं है, तो मैंने कहा बच्चों को खाना खिलाती हूँ, पहले एंडिंग ले लूँ क्योंकि अपलोड भी करना है, एडिट भी करना है। प्लीज़ समझा करें, आप लोग भी थोड़ा सा लाइक हो सब्सक्राइब कर दिया करें, मेहनत लगती है। और कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की, अभी कुछ थोड़ा सा बिजी, घर की रूटीन इन्हीं में चल रही हूँ। तो इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ, प्यार के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला हमारे सबके घरों में सुकून और खुशहाली लेकर आए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सबका ख्याल रखिए। और मैं अभी इतनी थकी हुई, मुझसे बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने कहा पहले बस जल्दी से एंड लेती हूँ, फिर बच्चों को खाना खिलाती हूँ और साथ साथ में अपलोड करती हूँ। तो इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, बहुत सारे प्यार दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।